ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर करें आप, सही है। 33 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 99 होता है, 99 प्लस 2 कितना होता है 101, तो 101 अपॉन 3। अब इस परसेंटेज का साइन को हटाना है, तो यहाँ पे 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 101 डिवाइडेड बाय 300। अब इसको फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं, सही है। अब देखो 101 तो छोटा है 300 से, सही है। यहाँ एक डेसिमल लगा दिया, यहाँ एक ज़ीरो ऐड हो गया, अभी हो गया 1010। अब ये तो बड़ा हो गया ना, 300 से ऑटोमेटिक बात है, तो 1010 हमारे पास 3 के टेबल में 1010 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा से छोटा भी जो नंबर आता है ना 300 के टेबल में वो 900 आता है। तो 900 का बात है 3 टाइम आता है, तो यहाँ 900 लिख दिया। तो 1010 में से जब 900 माइनस करेंगे आप, तो आपके पास बचेगा 110, सही है, 110। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर लेता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नई आइट्रेशन शुरू हो गई है। अब इसी डेसिमल की बेस पे एक ज़ीरो आप एक और ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब भी देखो यहाँ पे 900 ही आएगा। अब 1100 में से 900 माइनस करो तो आपके पास बचता है 200, सही है। 200 पे एक और ज़ीरो लगा दो, ये बन गया 2000। अब 2000 तो नहीं आता 300 के टेबल में, लेकिन 2000 से छोटा हमारे पास 1800 आता है। 1800 का बात है 6 टाइम्स, तो यहाँ पे फिर 200 बच गया। वैसे अब आपस की बात है, ये तो चलते रहेगा, ये रुकने वाली नहीं है, ये चलते रहेगा जब तक आप खुद ना रोकना चाहो अपनी मर्जी से। तब 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो आंसर आ ही गया ना, तो इसको बस इसका आंसर कंसिडर कर लो, सही है।